press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते आप सभी दर्शकों को और आप सभी का स्वागत है। आज ये सेशन टू डे वन और जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष की जो हमारी एनुअल समिट की जो थीम है वो है भारत 2030 में, इंडिया इन 2030। और आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है वोकिज्म। आपने टर्म सुना होगा वोकिज्म, और इसमें हम ये चर्चा करने जा रहे हैं क्या कि जो नया लेफ्ट है, यानी जब हम 2030 की बात करते हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में ही कि जो नया वामपंथ है वो क्या वोकवाद या वोकिज्म ही है, या इसमें कोई विरोध अंतर विरोध है या कोई भेद है या क्या है, इस तरह की क्या बात है। आपका पैनल से परिचय कराता हूं, उसके पहले बताऊं आपको कि ये जो सेशन है ये रेखा राव जी ज्यादा स्पॉन्सर्ड है। और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न आएंगे उसमें जो सर्वोत्तम प्रश्न होगा उसको एक इनाम दिया जाएगा, और सर्वोत्तम प्रश्न जो है वो हमारे पैनलिस्ट उसका चुनाव करेंगे। तो पैनलिस्ट से भी आग्रह है कि कृपया प्रश्नों पर अपना ध्यान रखें, आपको उनमें से जो सर्वोत्तम प्रश्न है वो चुनना होगा जिसे हम एक कोई इनाम देंगे। और इसी के साथ अब हम चलते हैं विषय पर। पैनलिस्ट से परिचय करा दूं आपका, डॉक्टर राजीव मिश्रा, आप सभी लोग जानते हैं पुस्तक जो विशेला वामपंथ है वो एक सुपरहिट पुस्तक है। और विभूति नारायण राय जी जो हैं आप रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, और आपका रामगढ़ डायलॉग करके पूरे एक सीरीज चलती है सत्य हिंदी चैनल पर। और आरती टिक्को जी जानी मानी पत्रकार हैं, आप सभी लोगों का स्वागत। मैं आरंभ करता हूं डॉक्टर राजीव मिश्रा से, क्योंकि वो इस समय लंदन में बैठे हुए हैं और वहां पर इस प्रकार की विधाओं का प्रचलन अधिक है। राजीव जी, क्या वोकिज्म न्यू लेफ्ट है? जी, वोकिज्म लेफ्ट के बहुत सारे रूप हैं, इस बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूं। हम लोग लेफ्ट को क्लासिकली मार्क्सवाद से या कम्युनिज्म से जोड़कर देखते थे, उसे बदलने का समय आ गया है। इस बारे में मैं बहुत बार यह बात कर चुका हूं, लेकिन इसका जो सांस्कृतिक रूप है जिसे हम कल्चरल मार्क्सिज्म कहते हैं, हालांकि आजकल के वामपंथी सांस्कृतिक मार्क्सवाद शब्द सुनकर बिदक जाते हैं, क्योंकि वे मार्क्सवाद से अपने आप को किसी भी रूप से जोड़ना नहीं चाहते, जबकि एक समय में उन्होंने खुद इसे सांस्कृतिक मार्क्सवाद की संज्ञा दी थी। तो कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था विकिपीडिया पर कल्चरल मार्क्सिज्म की जगह कल्चरल मार्क्सिज्म कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ गई। जी हाँ, वो मैंने भी देखा। तो वे इससे इनकार करते हैं और वे इससे भाग रहे हैं इस शब्द से, तो उन्हें भागने नहीं देना है, उन्हें मार्क्सवाद से उनकी पहचान को स्थापित किए रखना है और उन्हें बनाए रखना है, इस एसोसिएशन को हमें बनाए रखना है। तो कल्चरल मार्क्सवाद अपने जिन रूपों में, अलग अलग रूपों में समाज के सामने जिस तरह से वह व्यवहार करता है, उसके लिए एक अमेरिकन कॉलोक्वियल टर्म है वोक, या अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट्स के समय में एक शब्द जो कि वहां के अश्वेत स्लैंग का शब्द है, स्टे वोक, जागते रहो। तो स्टे वोक से यह वोक शब्द आया है, और आज हम इसे इसका पूरा, जब यह पूरी तरह से इसका पूरा स्पेक्ट्रम दिखाई देता है तो हम इसे, उस पूरे स्पेक्ट्रम को वोकिज्म कहते हैं। बेसिकली यह वामपंथियों की जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, समाज के हर सामाजिक संपर्क में एक संघर्ष खोजना या संघर्ष के संदर्भ में उनकी व्याख्या करना, तो उस में इनका या वोकवाद अच्छी तरह फिट होता है। उन्होंने समाज की व्याख्या एक ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर के रूप में की है, और उनके भीतर 9 प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए हैं, एज, सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रेस, इस तरह के जो उन्होंने 9 जेनेरिक विक्टिम्स की स्थापना की है कि भाई आप अगर
इन ग्रुप में फिट होते हैं तो आप जेनेरिक विक्टिम हैं, और आपकी आपके अधिकारों की रक्षा करने का काम उन्होंने अपने ऊपर ले रखा है, उन्होंने आपका ठेका आपकी ओर से ले रखा है वामपंथियों ने, और आपको सिर्फ यह करना है कि आपको स्टे वोक रहना है, आपको जागते रहना है, क्योंकि आप यह समाज जो है आपके अधिकारों का हनन कर रहा है। जो यह उनका जिस बात को वे पहले औद्योगिक संदर्भ में परिभाषित करते थे कि उद्योगों में मजदूरों का के अधिकारों का हनन होता है या कृषि में किसानों के अधिकारों का हनन होता है, उस बात को वे पूरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ले आए हैं। और आपको बताना है, उनका काम आपको बताना है कि अगर आप एक पर्टिकुलर रेस के हों, आप पर्टिकुलर जेंडर के हों, आपका पर्टिकुलर सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, तो समाज जो है सो आपका खून चूसने को प्यासा है, और उसे आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ वामपंथी बचा सकते हैं, और अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो आप वोक हैं, आप सजग हैं, आप जागरूक हैं, आपके पूरे नंबर हैं। तो अभी लोग उनसे वामपंथियों से पूरे नंबर लेने में लगे हुए हैं, और यह पूरे नंबर देने की विधा जो है यह वोकिज्म है, और यह वामपंथ का नया रूप है। जी, अब मैं चलता हूँ विभूति नारायण राय जी के पास। राय साहब, आपका भी लेफ्ट पर अच्छा अध्ययन है, तो ये जो डॉक्टर राजीव मिश्रा जो कथन कह रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, राजीव मिश्रा जी ने बड़ी गहरी किताब लिखी और बहुत सही था कि उसका नाम विषैला वामपंथ रखा। गहरी इस अर्थ में कि ये पूरी तरह से झूठ और कुतर्कों पर आधारित किताब है, तथ्यों की भी गलतियां, जाहिर है कि आज इस किताब पर हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, नहीं तो ये एक ऐसी किताब है जिसे सिर्फ इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि आप उससे ये बता सकते हैं कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत बौद्धिक क्षमता हो तो किस तरह आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके जहरीली निर्मित कर सकते हैं। तो राजीव मिश्रा जी की बात से तो पूरी तरह क्या आधा भी सहमत नहीं हूं मैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, एक कन्वेंशनल मार्क्सवाद था, एक कन्वेंशनल लेफ्ट था, और उस कन्वेंशनल लेफ्ट को कम्युनिस्ट पार्टियां रिप्रेजेंट करती थी। एक दौर था, जाहिर है कि सोवियत रूस के खत्म होने के बाद और बहुत सारे परिवर्तन हुए दुनिया में, उससे वो मिथ थोड़ा कमजोर हुआ, टूटा। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है जो लेफ्ट को, और जिससे आप वोक शब्द को, मैं तो डर रहा था कि आप ये ना कहें कि वोक इज द लास्ट फ्यूज ऑफ लेफ्ट, ये आपने टाइटल नहीं रखा। देखिए, ये दुनिया में अन्याय लगातार चलता रहेगा। ये अन्याय सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर, जाति के आधार पर, राष्ट्र प्रेम के आधार पर, आर्थिक आधारों पर, कई तरह से हो सकता है। इस जो आपकी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनजस्टिस है, जो एक्सप्लाइटेशन है, इसका प्रतिरोध भी हमेशा रहा। आप अपने देश में ही देखिए, जब वैदिक कर्मकांड पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी था और एक तरह से मनुष्य को, हमारे बीच के 3/4 लोगों को जानवर रखने में जिसकी दिलचस्पी थी, उसके खिलाफ चार्वाक खड़े हुए, गौतम बुद्ध खड़े हुए, फिर भक्ति आंदोलन इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसने बहुत सारी जो सामाजिक विषमताएं थी उसके खिलाफ संघर्ष किया। आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ थे, आरएसएस उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, जितने धार्मिक संगठन थे, मुस्लिम लीग, अकाली दल, इनमें से कोई नहीं आया, लेकिन एक बड़ी तादाद में जनता निकल के आई और जिसने साम्राज्यवाद का, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का विरोध किया। तो यही लेफ्ट था। आज ये जो नया शब्द आया है, पिछले 5-6 सालों से डिक्शनरी में शरीक हुआ है, ये तो एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आया, कालों के, ब्लैक लाइफ मैटर्स, इस तरह के नारों के साथ आया, और ये एक तरह से लेफ्ट का, या आप मार्क्सवाद कहना चाहे, क्योंकि मार्क्सवाद तो जाहिर है कि कार्ल मार्क्स से जुड़ी चीजें ही मार्क्सवाद में आएंगी, लेकिन ये प्रतिरोध तो कार्ल मार्क्स के पहले भी था, और आज जब सोवियत रूस का मॉडल ध्वस्त हो गया तब भी है। तो ये जो बहुत सारे लोग, जो गोरे लोग निकले और उन्होंने कहा कि नहीं, ब्लैक लाइफ मैटर, सिर्फ ब्लैक नहीं निकले, ये उनका प्रतिरोध है जो आपको वोकिज्म में दिख रहा है। भारत में जो दलित निकल के आ रहा है, जो सवर्णों के अत्याचारों के खिलाफ, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है एक्स मुस्लिम का, आप अगर उसे देखें तो बड़ी तादाद में मुसलमान आकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, वो लेफ्ट है। उसी तरह जेंडर को लेकर के बड़े आंदोलन हो रहे हैं हमारे देश में, औरतें अब उस तरह से
मनुस्मृति जैसी चीजों से आप उनको बरगला नहीं सकते। औरतें खड़ी होकर के और अपना हक मांग रही हैं, अपनी जगह मांग रही हैं। तो ये सारी चीज वोकिज्म के अंदर है। जो कोई प्रतिरोध करेगा डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, शोषण के खिलाफ या किसी भी तरह के अत्याचार के खिलाफ, तो वो वही वोकिज्म है। तो ये जो एक खराब किताब का हवाला दे करके जहरीला या विषैला वामपंथ, और अब फिर वो अपने अंदर इस तरह का बौद्धिक अहंकार उनके अंदर है कि वो फिर नए सिरे से मार्क्सवादियों के जो नए जो जो तथाकथित इनके हिसाब से जो अंतर विरोध है उनको उजागर करेंगे। तो मुझे लगता है ना तो इनके अंदर उतनी बौद्धिक क्षमता है और ना ईमानदारी है। तो वोकिज्म पे जब हम बात करें तो बौद्धिक तैयारी के साथ, विभूति जी नहीं, मैं पढ़ चुके, आपने शुरुआत ना आपने शुरुआत की और उन्होंने बड़े अहंकार के साथ कुछ दावे किए। उनकी किताब खराब थी वो मेरा इंप्रेशन था, मैं उसका जिक्र नहीं करता, नहीं, लेकिन बड़े अहंकार के साथ उन्होंने दावे किए, वो भी उचित नहीं। हाँ, तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। आप नहीं सुनना चाहते तो लाख रुपए का इनाम कर रखा है। जो बातें आप कह रहे हैं यदि आप सिद्ध कर दें मनुस्मृति से निकाल के, तो 6 लाख रुपए का इनाम जयपुर डायलॉग से बहुत समय से रख रखा है। अगर अगर आप ईमानदारी के साथ वो करते, संजय जी अगर आप एक खास मानसिकता से ग्रस्त ना होते और ईमानदारी के साथ आप 6 लाख के लिए तैयार हो, तो मैं खुद भी आ जाऊंगा, लेकिन मैं किसी बीए के स्टूडेंट को भी खड़ा कर दूंगा जो मनुस्मृति के एक एक प्रसंग उठाता जाएगा और आपके 6 लाख का हकदार हो जाएगा। वो बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आपस में टिप्पणी, छींटाकशी, पर्सनल ये न करें, इससे बचें। ये मेरा अनुरोध है और मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। यदि शंकर शरण जी हो तो हम उनके पास चलें। हाँ संजय जी नमस्कार, मैं बाहर हूँ इसलिए थोड़ा अभी आपने थोड़ा ठीक है, लेकिन आपकी आवाज तो स्पष्ट आ रही है। तो आपने अभी आवाज आ रही है बिल्कुल स्पष्ट आ रही जी। तो अब मैं आपके विचार लेना चाहूंगा कि जी, मैं अगर बहस हो गई पहले सिर्फ तो नहीं, संदर्भ में मुझे और आपने तो सोवियत यूनियन का और उसका सबका गहन अध्ययन किया, तो मैं अब आपके विचार जानना मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये विभूति जी विषय छोड़ करके कुछ और बोलने लगे, और वामपंथ पर तो सैकड़ों किताबें लिखी हुई हैं, उनको अगर इतनी इच्छा थी तो किसी का खंडन करते। मेरी भी 3 किताबें हैं, अभी तक तो कोई खंडन मैंने नहीं सुना है। और अगर विषय छोड़ करके लोग पर्सनल कमेंट करते हैं तो ये तो उनकी कमजोरी ही दिखाता है, ऐसा मुझे लगता है। एनीवे, तो ये वोक पर मुझे कितनी देर बोलना चाहिए मुझे आप समय बता दें, मैं उतनी ही देर में अपनी बात समाप्त करूंगा। आरंभ में पहला स्टेटमेंट 5-7 मिनट का हो जाए तो ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे फॉलो अप लेंगे ही। जी बहुत अच्छा। तो ये वोक तो शब्द का अर्थ तो जागृत होता है, लेकिन मुझे ये शब्द सुन करके और जो वोक लोग कर रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में 1 साल से 1.5 साल से, वो देख करके मुझे हिंदी कहावत याद आती है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। कि जो लोग नशे में डूबे हुए हैं, सोए हुए जैसे हैं, वो अपने आप को जागृत कह रहे हैं और ऐसे जागृत कह रहे हैं कि दुनिया में और कोई लोग इतने जगे हुए नहीं है। लेकिन सच पूछिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो सामान्य कसौटी है कि क्या वो कह रहे हैं, किन किन मुद्दों पर कह रहे हैं, उनकी कल्पनाएं क्या हैं, उनके तथ्य क्या हैं, तो इस आधार पर जो मामूली एकेडमिक परख भी दिखाती है, बल्कि मैं कहता हूँ कि पत्रकारिता की भी जो मामूली परख दिखाती है कि उनमें कोई नई रचना का कोई कल्पना नहीं है, वो कोई नया समाज बनाने की कोई कल्पना नहीं है। कम से कम मार्क्सवादियों में, लेनिनवादियों में वो कल्पना थी। ये वोक लोगों में सिर्फ एक चीज देखी जा रही है, जो अमेरिका में भी दिखी, इंग्लैंड में भी दिखी, वो ये कि सब कुछ को तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। तो ये तो बंदरों वाली प्रवृत्ति है कि मुझे तो कुछ और नहीं आता है, मैं तोड़ सकता हूं। तो ये चीज बढ़ भी रही है और भारत तो एक दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग स्थिति में है कि जो भी पश्चिम में नई प्रवृत्ति पैदा होती है, यहाँ लोग उसकी नकल में लग जाते हैं, कभी उस पर 10 मिनट भी नहीं लगाते कि उसकी परख करें, उसमें कौन सी ऐसी मूल्यवान चीज है जो अभी भी आपके पास नहीं थी। तो वहाँ वोकिज्म है तो यहाँ भी वोकिज्म है, वहाँ फेमिनिज्म पैदा हुआ तो यहाँ भी फेमिनिज्म पैदा हुआ, वहाँ ह्यूमन राइट पैदा हुआ तो यहाँ भी ह्यूमन राइट होने लगा, वहाँ रेसिज्म है तो यहाँ कोई रेस नहीं था तो यहाँ भी रेसिज्म खोजी जा रही है, वहां जिस समय लिबरलिज्म मार्क्सिज्म था तो यहाँ भी मार्क्सिज्म था।
तो ये तो एक नकलची प्रवृत्ति है जो यहाँ भी है, लेकिन फिलहाल अभी वोकिज्म में भारत पीछे है बेचारा। यहाँ के लोग अभी जैसा विभूति जी दिखा रहे हैं, अभी वो सीख ही रहे हैं कि वोकिज्म कैसे होता है, लेकिन जो यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, वो साफ साफ दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं वोकिज्म के नाम पर। उसमें जो सबसे पहली चीज है कि वो एक विपरीत भेदभाव को प्रचारित कर रहे हैं, मतलब भेदभाव का खात्मा उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है कि अगर गोरों ने कालों पर अत्याचार किया तो अब कालों को गोरों पर अत्याचार करना चाहिए। तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स की है, एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप की है, ऐसा नहीं कि पूरी अमेरिकी जनता या यूरोपीय जनता इसको स्वीकार करती है, वो इसको अनुचित मानती है। कोई डाटा इसको प्रभावित बता नहीं सकता कि जो परिवार, माता पिता, लिंग, नस्ल आदि की जो धारणाएं अभी तक प्रचलित हैं वहां और जिन सिद्धांतों को लोग स्वीकार करते हैं, उसके आधार पर भारी बहुसंख्या उन चीजों को अनुचित मानती है जो वो लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन ये एक उनकी जिद है, एक गुस्सा है और गाली गलौज है। तो इसमें कोई मुझे अनोखी चीज दिखाई नहीं पड़ रही है, बल्कि मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा और सभी लोग उसको नोट कर सकते हैं कि हाल में एक बोरिस येल्सिन ने, ये सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये व्लादिमीर पुतिन ने एक, हाँ, वो वाल्दाई इंस्टीट्यूट में एक भाषण दिया और बड़ा रिमार्केबल भाषण है वो। मैं रिकमेंड करूंगा कि वो सबको पढ़ना या सुनना चाहिए। वो उसकी पूरी टेक्स्ट रशियन राष्ट्रपति के वेबसाइट पर है। वो उसमें बड़ी रिमार्केबल बातें कुछ कहते हैं पुतिन जो सबको जांचनी चाहिए, और मैंने जांच के देखी और मैंने पाया कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुतिन कहते हैं कि ये जो वैचारिक सांस्कृतिक विध्वंस यूरोप अमेरिका में वोकिज्म के नाम पर हो रहा है कोई नई चीज नहीं है, ये सबसे पहले रशियन बोल्शेविकों ने किया था, मतलब जो लेनिन के चेले थे उन्होंने किया था। उन्होंने केवल पॉलिटिकल पावर को नहीं बदला, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सारी चीज बदल डालेंगे, हम विचार को बदल डालेंगे, संस्कृति को बदल डालेंगे, धर्म को खत्म कर डालेंगे, स्त्री पुरुष संबंधों को खत्म कर डालेंगे, मतलब जो भी चीज है पूंजीवाद की, हम उसको हर चीज को बदल देंगे। और उन्होंने ध्यान दिलाया कि, और उन्होंने क्या ध्यान दिलाया, ये तो बाकायदा सोल्जेनित्सिन की किताबों में है और रशियन हिस्टोरियंस की किताबों में है। अब तो स्वयं रूसी जो अभिलेखागार है उसी से बहुत सी चीजें सामने आई हैं, सबके सामने है कि उन्होंने जो सामाजिक विध्वंस किया, लगभग कुछ उसी तरह की चीजें ये लोग कर रहे हैं कि मानवीय संबंध, धर्म, परिवार, स्त्री पुरुष संबंध, बच्चों के साथ संबंध, और इन सब चीजों को उन्होंने तोड़ने की ठानी थी बोल्शेविकों ने। जैसे मुझे अभी तक याद है क्लारा जेटकिन की किताब और लेनिन के आपसी जो विमर्श हुए थे उसमें मुझे मिला था कि ये जो स्त्री पुरुष का संबंध है, बोल्शेविकों ने कहा कि ये कोई खास चीज नहीं है, परिवार विवार क्या होता है, जैसे भूख लगती है तो लोग खाना खाते हैं, तो अगर किसी को स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की कामना हुई तो वो बस एक गिलास पानी पीने जैसी चीज है। तो ये एक गिलास पानी का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि स्त्री पुरुष संबंध इससे अधिक का इसका कोई महत्व नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये वोकिज्म जिस तरह से चल रहा है लिंग के बारे में, कि बच्चों को कहा जा रहा है कि नहीं नहीं पुरुष बच्चे और स्त्री बच्चे नहीं होते, लड़के लड़की नहीं होते, उनके लिए अलग अलग ड्रेस होना बड़ी गलत बात है, उनके लिए अलग बाथरूम होना बड़ी गलत बात है, तो मुझे वही याद आया एक गिलास पानी वाला। और मुझे लगता है कि पुतिन ने ठीक कहा कि ये वही सब पागलपन कर रहे हैं जो रूसी बोल्शेविकों ने पहले किया, और जिसको जिसके दुःस्वप्न को कुछ दशकों तक देखकर स्वयं कम्युनिस्टों ने उसको छोड़ दिया डर के मारे कि कितना भयावह है। तो ये बड़ी एक विडंबना है कि जिस यूरोप अमेरिका को लोग सभ्यता का पैमाना समझ रहे थे कम से कम 100 साल से, आज वो ये नव वामपंथ के फेर में पढ़कर वो फिर उन्हीं प्रयोगों को दोहरा रहे हैं। और मुझे ध्यान आया, मैंने पढ़ा था कि ये न्यूज आई कि शेक्सपियर की रचनाएं हटाई जा रही हैं, और मुझे बिल्कुल याद है कि रूस में भी बोल्शेविकों ने दोस्तोयेवस्की को और इसको टॉलस्टॉय को कुछ किताबों को प्रतिबंधित कर दिया था, लाइब्रेरी तक से किताबें हटा ली गई थी। तो और वही उसी तरह की चीजें अभी हो रही हैं। तो ये बिल्कुल नव वामपंथ है जो लोगों को विभाजित करता है, ये समानता के लिए नहीं है बल्कि लोगों को लड़ाने के लिए है। और मुझे बिल्कुल ठीक याद है मार्टिन लूथर किंग ने यह कहा था
कि भाई हम मैं उस समय का सपना देखता हूं जबकि लोगों को चमड़ी के रंग के बदले उसके चरित्र से उसका मूल्यांकन होगा। लेकिन आज यूरोप अमेरिका में ठीक उल्टा हो रहा है कि अगर कोई आदमी गोरा है तो उसको गाली देना, उसका उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसके साथ भेदभाव करना और उसको दंड देना, ये एक कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो करना ही होगा। और अगर कोई किसी गोरे पर कोई आरोप आ गया है तो उसको जरूर दंडित कर दो, और अगर किसी काले पर आरोप आ गया है तो उसको जरूर दोष मुक्त कर दो। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये पागलपन हूबहू वही है जो रूसी बोल्शेविकों ने किया था और रूसियों ने उसको कुछ दशक झेल करके छोड़ दिया था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इसके प्रति वेस्ट पश्चिम सावधान नहीं रहा, उन्होंने मान लिया कि उनकी जो उदारवादी परंपरा है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, नागरिक समानता है, जो भी मूल्य उन्होंने विकसित किए पिछले 2-3 सालों में वो फॉर ग्रांटेड उन्होंने लिया। लेकिन ये दिखा रहा है कि मूल्यों की शिक्षा आपको हर पीढ़ी को नए सिरे से देनी होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये विध्वंस करने वाले लोग किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं और विध्वंस कर सकते हैं। तो मैं तो इस वोकिज्म को शुद्ध वैचारिक सांस्कृतिक विध्वंस के रूप में ही देखता हूँ। तो फिलहाल तो मेरे मन में इतनी बातें थी। जी जी, अब हम आरती जी के पास चलते हैं। आरती जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। पहले तो संजय दीक्षित जी, बधाई हो आपको। आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया जयपुर डायलॉग्स 2021 के लिए, इंडिया इन 2030 फ्यूचरिस्टिक है, और क्लियरली आपने कुछ जो सब्जेक्ट्स चुने आज डिस्कशन के लिए उनमें आप वोक वर्ल्ड को भी इन अ वे फ्यूचरिस्टिक मान रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वोक वर्ल्ड का एक इन्फ्लुएंस रहेगा दुनिया पर। और द वोक वर्ल्ड जो है आपने सब्जेक्ट चुना, अगर मैं इस वोक को जो शब्द है इसको मैं रिप्लेस कर दूं कंफ्यूज से तो गलत कहना नहीं होगा। द वोक वर्ल्ड के बदले अगर आप कहें द कंफ्यूज्ड वर्ल्ड, वो भी वही होगा, उसका मतलब भी वही निकल के आएगा जो आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि क्या वोक वर्ल्ड जो है या वोकिज्म जो है, क्या ये लेफ्टिज्म का ही दूसरा स्वरूप है, क्या मार्क्सिज्म का ही ये दूसरा चेहरा है? तो मैं इसमें थोड़ा सा, जो जितने भी अभी इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं आपके पैनल पे, उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि ये वाकई एक्चुअली ना मार्क्सिज्म का ये दूसरा रूप है ना ही ये लेफ्टिज्म का दूसरा रूप है। वो इसलिए क्योंकि मैं मानती हूं कि आज 2021 में ये शब्द मार्क्सिज्म, लेफ्टिज्म, कम्युनिज्म, इन सब की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो बदल चुकी है। इनकी जो क्लासिक डेफिनेशन थी, जो इनके थियरिस्ट थे, जिन लोगों ने इन आइडियाज को कंसीव किया और जिन इन आइडियाज को पॉपुलराइज किया, वो मैं मानूंगी कि आज के संदर्भ में मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है जो क्लासिकल डेफिनेशंस थी इन शब्दों की। वो इसलिए क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वॉर टू के बाद या कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, सोवियत यूनियन टूट गया और यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया दुनिया में, सब ये मान के चले कि जो मार्क्सिज्म है, लेनिनिज्म है, स्टालिनिज्म है, कम्युनिज्म है, लेफ्टिज्म है, उसका अंत हुआ और कैपिटलिज्म की जीत हुई। क्योंकि अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर से यही साबित हुआ कि अमेरिका जीत के निकला, वो दुनिया पे उसका कब्जा और इन्फ्लुएंस और जितना भी दुनिया के देश थे वो इन अ वे अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और सोवियत यूनियन टूट गया और उनका उस लेवल का जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस था जो कोल्ड वॉर से पहले था वो नहीं रहा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि
पिछले 30 साल में लेफ्टिज्म हम हर यूनिवर्सिटी में, हर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में ये कहानी चलती रही। अगर हम एक तरफ ये मानते हैं कि सोवियत यूनियन की डिफीट के बाद और मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म का अंत हुआ, पर दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं लेफ्टिज्म जो है वो प्रिवेल कर चुका है यूनिवर्सिटीज में, वोकिज्म इसका एक नया स्वरूप है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोल्ड वॉर के बाद जो हमको समझ आया, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो हमको समझ आया कि मार्क्सिज्म और लेफ्टिज्म का अंत हो गया है, क्या वो गलत सोच थी? तो मैं कहूंगी कि देखिए, इन शब्दों की रेलेवेंस नहीं रही, क्योंकि पिछले 30 साल में जो कंट्रीज अपने आप को कैपिटलिज्म की चैंपियन मानती थी और उन्होंने पूरी दुनिया पे धावा बोला और अपनी सुप्रीमसी का ये झंडा गाड़ा, एसेंशली अमेरिकन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर जो था, उसमें कैपिटलिज्म की जो भाषा की जो डेफिनेशन थी, लेफ्टिज्म की जो डेफिनेशन थी, वो सब इंटरचेंजेबल या कंफ्यूज हो गई। क्योंकि आज की जनता जो अपने आप को लेफ्ट बोलती है अमेरिका में, ये वही जनता है, ये वही लोग हैं जो कैपिटलिज्म को भी सेलिब्रेट करते रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में फैला के और उनके इन्फ्लुएंस से चाइनीज जो कम्युनिज्म है वो भी कैपिटलिस्टिक कम्युनिज्म बन गया, रशियन कम्युनिज्म जो था वो भी रशियन कम्युनिस्ट कैपिटलिज्म बन गया, और बाकी दुनिया जहां जहां कहीं कहीं जहां मार्क्सिज्म प्रिवेल कर रहा था या कम्युनिज्म प्रिवेल कर रहा था, आप केरला को लीजिए, वेस्ट बंगाल को लीजिए, जहां पे माना जाता था कि कम्युनिज्म और लेफ्टिज्म का जो गढ़ है, वहां पे भी हम लोगों ने कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड की जो मैनिफेस्टेशन थी वो देखी। तो इन शब्दों का अर्थ क्या है रहा है पिछले 30 साल में, जब आप एक तरफ से कह रहे हैं कि ये सारी दुनिया की जो जो स्ट्रगल है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो क्लास के है, पर क्लास के अल्टीमेटली ये क्लास जो चलाने वाले हैं, जो बुर्जुआ आज का क्लास है और अपने आप को लेफ्ट कह रहा है, आज का रूलिंग एलीट अपने आप को लेफ्ट कह रहा है, जो कि शायद पहले भी सच था, तो लेफ्ट और कैपिटलिज्म में अंतर क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा वोक वर्ल्ड जो है कंफ्यूज्ड वर्ल्ड है। तो ये तो रही ये बात, ये मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट, मैंने इसलिए मैं जवाब नहीं दे रही हूं कि वोक क्या वाकई लेफ्ट है कि राइट है, मैं इसलिए ये सारी इन सारी बातों पे मैं गई क्योंकि मुझे लगता है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की 21st सेंचुरी में लेफ्टिज्म का मतलब क्या है, कम्युनिज्म का मतलब क्या है, मार्क्सिज्म का मतलब क्या है, क्योंकि कैपिटलिस्ट लोग जो है इन शब्दों इन वर्ड्स का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलराइज करने वाले वही लोग हैं जो कैपिटलिज्म को अपोश कर रहे हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो टेक्नोलॉजी जो बिग जायंट्स है, मीडिया जायंट्स है, सोशल मीडिया नेटवर्क जायंट्स है, जो कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म के ही मैनिफेस्टेशन है, वही सबसे ज्यादा वोकिज्म भी कर रहे हैं, वही सबसे ज्यादा लेफ्टिज्म भी चिल्ला रहे हैं, वही सबसे ज्यादा मार्क्सिज्म भी बोल रहे हैं। तो आखिर हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं, हम ये जो जितने भी शब्द है ये क्या है, इनका अर्थ क्या है? तो मैं इस बात पे शायद दोबारा आऊंगी, दूसरे राउंड में आऊंगी, पर मेरा मानना ये है कि ये सारे शब्द इररिलेवेंट है, ये कंफ्यूज्ड शब्द है, ये पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया गया है। इसमें लेफ्ट कितना जिम्मेवार है और राइट कितना जिम्मेवार है वो डिस्कस करना जरूरी है कि ये आखिर कैपिटलिज्म जो चलाने वाले हैं या कम्युनिज्म चलाने वाले हैं, ये उनकी मिलीभगत है कि ये एक ही साइड के लोग हैं जिन्होंने वोक जिन्होंने दुनिया को पूरा कंफ्यूज करके रखा है कि जेंडर दो है कि मल्टीपल है कि 100 genders है। तो इन बातों पे मैं आऊंगी, दूसरे राउंड में आऊंगी, पर पहला ये कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। जी,
अब हम वापस चलते हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी के पास। डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, आपके सामने दो व्यू पॉइंट्स हैं। एक तो आपके ऊपर आक्षेप है जो विभूति नारायण जी ने लगाए, और दूसरा आरती जी का कहना है कि ये पूरा का पूरा जो है कि गड्डम गड्ढ है, ये कंफ्यूज्ड है सारा और सब कुछ मिक्सअप हो रहा है। तो अब आपका टर्न है, आपके पास लगभग 7 मिनट हैं। बहुत धन्यवाद सर। पहली बात है कि विभूति नारायण जी की बात वाइट बॉल है, मैं उसे जाने दूंगा। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल पर मैं बल्ला नहीं लगाता। मैं अपनी बात शुरू करूंगा शंकर सरन जी की बात से। उन्होंने कहा कि, और आरती जी ने भी कहा कि वोकिज्म जो है कंफ्यूज्ड मूवमेंट यहां पर। और दूसरी बात यह है कि वोकिज्म को वामपंथ से क्या जोड़ता है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा वोकिज्म को वामपंथ से जो दो चीजें जोड़ती हैं, पहली चीज जोड़ती है नीयत। उसकी नीयत क्या है? क्या कम्युनिज्म की जो नीयत थी वोकिज्म की वही नीयत है? कम्युनिज्म जो चीज हासिल करना चाहता था इन टर्म्स ऑफ मैं कहूंगा सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति से पहले की जो अवस्था थी वह अवस्था थी जब कोई भी व्यक्ति वही व्यक्ति धनी हो सकता था जो एक धनी परिवार में पैदा होता था, जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के आने से यह बात बदल गई, और कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास समाज को देने के लिए कुछ है, जो कुछ बनाता है, जो कुछ बेचता है, जो कुछ भी समाज को चाहिए, वह मुक्त व्यापार व्यवस्था में उसे जनता को देकर कोई भी व्यक्ति धनी हो सकता है। तो यह जो अवस्था आई तो इससे जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था उसे खतरा पैदा हो गया, जो फ्यूडलिज्म था उसे खतरा पैदा हो गया। तो इसके जवाब में समाजवाद और मार्क्सवाद आया, जिसे मैं कहता हूं यह नव नियो फ्यूडलिज्म ही है, नव सामंतवाद है, जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग ऑर्डर को दूसरे दरवाजे से लेकर आना चाहते हैं। यहां पर मैं कहता हूं कि वोकिज्म यही काम कर रहा है सामाजिक संरचना के साथ। वह सामाजिक संरचना को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, ध्वस्त कर रहा है, लेकिन यह गलती से नहीं कर रहा है। इसके पीछे की डिजाइन है, इसके पीछे की डिजाइन है जैसे मार्क्सिज्म ने जो प्रयास किया कि उत्पादन के साधनों पर एन मास कब्जा कर लेना। तो वह पूरी रोटी को एक बार में खाना चाहता था। तो मार्क्स का भी मानना था कि भाई बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, बिना पूंजीवाद के पूरी तरह से विकास हुए, हम मार्क्सवाद को नहीं ला सकते, हम साम्यवाद को नहीं ला सकते। तो पहले कुल मिलाकर क्या है कि पहले पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन होगा और बांटने के लिए, उसे बराबर बराबर बांटने के लिए मार्क्सवाद आएगा, ये चौधरी बनकर आ जाएंगे। तो वे वामपंथी जो थे एक समय पूरी रोटी खाना चाहते थे बिना तोड़े। उन्होंने रियलाइज किया यह संभव नहीं हो पाएगा, और तो अब ये सामाजिक संरचना को कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन तोड़ तोड़ कर, टुकड़े टुकड़ों पे। तो यह रोटियों को तोड़ तोड़ कर खाना चाहते हैं। ये पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदलने की बजाय वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की प्रक्रिया में है। उद्देश्य वही है, सामाजिक व्यवस्था पर कब्जा, और सिर्फ आर्थिक व्यवस्था पर नहीं। दूसरी एक चाल यह है कि उत्पादन के जो साधन हैं, जो पूंजीवाद के पास थे, जो औद्योगिकरण के पास थे, जहां से उत्पादन होता था और जिसे बांटने का जिम्मा इन्हें उठाना था, तो उत्पादन के साधनों के, जब तक उत्पादन होगा नहीं, ये बांटेंगे क्या? तो इसलिए वामपंथ जो है वह मार्क्सवाद से हटकर वोकिज्म के साथ साथ समाजवाद की ओर, सोशलिज्म की ओर, वेलफेयर स्टेट के माध्यम से सोशलिज्म की ओर मूव कर गया, जहां पर उसे सिर्फ चौधराहट चाहिए कि भाई बांटेंगे हम, आप प्रोड्यूस कीजिए, बांटेंगे हम, यह चौधराहट चाहिए वामपंथ को। तो इसलिए वे, उन्होंने उत्पादन के साधनों पर कब्जा करने की अपनी दृष्टि हटा ली। उत्पादन के साधनों पर कब्जा करने की बजाय उन्होंने वितरण के माध्यम पर कब्जा करने पर ध्यान दिया, और इसलिए उन्होंने समाज में
शोषितों के नए नए क्लास डिफाइन किए, जेनरिक विक्टिम्स के क्लास डिफाइन किए, जिनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन का जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर लिया, जिससे कि बिल्ली को रोटी बांटने का काम, बंदर को बिल्लियों की रोटी बांटने का काम मिल सके। यह नियत की बात है। इसके पीछे मूल विचार कहां से आता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विचार है कि पूरे समाज के बिहाफ पर निर्णय हम लेंगे, जिसे हम पावर कहते हैं। पावर एसेंशियली क्या है? योर एबिलिटी और योर बीइंग इन अ पोजीशन टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, इसे कहते हैं शक्ति। तो वामपंथियों को यह शक्ति चाहिए। तो पहले यह शक्ति वे आर्थिक शक्ति के रूप में देखते थे कि भाई हम अर्थव्यवस्था के साधनों पर कब्जा करने की शक्ति चाहते थे कि पूरे समाज में किसको क्या मिलेगा, आर्थिक साधन कहाँ कहाँ किस दिशा में मूव करेंगे, इस पर कब्जा करने का अधिकार चाहते थे। अब ये सामाजिक व्यवस्था किस दिशा में जाएगी, दूसरों के बिहाफ पे निर्णय लेने का अधिकार चाहते हैं। हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, हम कौन सी किताबें पढ़ेंगे, क्या पॉलिटिकली करेक्ट है, क्या पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, इवन स्कूलों में बच्चे क्या मजाक करेंगे, इन तक चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है। मेरी बेटी ने स्कूल में मजाक में एक कार्ड बनाया जिसमें उसने एक हिटलर रेफरेंस बना दिया। इसको लेकर बवाल खड़ा कर दिया टीचर ने कि शी इज मेकिंग इनअप्रोप्रिएट जोक्स अबाउट नाजी। तो बहुत दिनों तक उन्होंने यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि अगर वे बीच में नहीं आएंगे तो मेरा बच्चा नाजी हो जाएगा। इस तरह की का हंगामा कि समाज उनके बिना नहीं चल सकता। समाज में आप अपने बच्चे को क्या बताएंगे, आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे, अगली जनरेशन क्या सोचेगी, कैसे सोचेगी, लोगों की सोचने की शक्ति पर कब्जा चाहिए। तो यहां पर एक बात मैंने पहले भी शायद आपके चैनल पर एक बात कही थी, दो तरह के लोग होते हैं, कंस्ट्रेंड विजन वाले और अनकंस्ट्रेंड विजन वाले। इसमें मैं अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर कंस्ट्रेंड विजन वाले लोग समाज जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हैं और उसमें से जो इवॉल्व होता है उसे स्वीकार करते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है उसे स्वीकार करते हैं। अनकंस्ट्रेंड विजन वाले लोगों को चिल होती है कि हम जी एक परफेक्ट सोसाइटी बनाएंगे, सोसाइटी वैसी होगी जैसी हम बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि समाज में क्या होना चाहिए। और ऐसे मानने वाले लोग उस लोगों से क्या निकल कर आता है, ऐसे मानने वाले लोगों से निकल कर आती है डिक्टेटरशिप, या कहेंगे एक टोटलिटेरियन स्टेट जो हर चीज को कंट्रोल करती है। तो एक तरह का टोटलिटेरियन स्टेट होता है जो हर चीज को कंट्रोल करता है। यह लोग एक तरह की सोसाइटी बना रहे हैं जिसका कि सोशल नॉर्म्स पर इनका टोटलिटेरियन कब्जा हो। इसके लिए जरूरी है कि एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को ध्वस्त किया जाए, और यह एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को ध्वस्त करने का काम इसी दिशा में हो रहा है। जिस तरह से मार्क्सवाद का प्रयास था उत्पादन के साधनों पर कब्जा करना, वामपंथ के नए रूप वोकिज्म का प्रयास है, का उद्देश्य है समाज की सोचने की दिशा, सोचने की शक्ति पर कब्जा करना। उत्पादन आप करते रहें। दूसरी एक बात उन्होंने, आरती जी ने बहुत अच्छी कही है कि हमें दिखाई दे रहा है कि जो कल के कैपिटलिस्ट थे वे वोकिज्म की ओर मुड़ रहे हैं। जी हाँ, जब उनके पास जो कल के कैपिटलिस्ट थे अब उन्हें कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, उन्हें एक तरह का कॉरपोरेट सोशलिज्म चाहिए, क्योंकि कैपिटलिज्म के भीतर उथल पुथल होती रहती है। कल को एलॉन मस्क को या जॉर्ज बेजोस को बिल गेट्स को कोई और रिप्लेस कर देगा अगर यह कैपिटलिज्म रहा तो। तो एक गतिमान अवस्था होती है जिसमें नए नए विचार आते हैं, नए नए उद्योग आते हैं और वे पुरानी व्यवस्था को बदल देते हैं जब समाज जिन्हें स्वीकार करता है। एज लॉन्ग एज पीपल आर फ्री टू चूज, दे डू नॉट वांट यू टू हैव दैट फ्रीडम टू चूज। तो उनकी जो शक्ति आज के दिन में है उसे स्थायी बना के रखने के लिए उनकी एक पार्टनरशिप है, कॉरपोरेट की लेफ्ट के साथ पार्टनरशिप है, जिसे मैं कहता हूं कॉरपोरेट सोशलिज्म, जिसको वामपंथी लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहना चाहते हैं। मैं कहता हूं वो क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, वह कॉरपोरेट सोशलिज्म है, जहां वामपंथ और कॉरपोरेट एक तरह की पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, जहां पर जो लोग ऑलरेडी पावरफुल हो गए हैं वे अपने पावर को समाज के भीतर की गतिशीलता से, समाज की गतिमानता से किस तरह से प्रोटेक्ट करके रख सके, और उनके साथ मिलकर, वामपंथ के साथ मिलकर कॉरपोरेट जो है समाज पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए आपको कल के कैपिटलिस्ट वामपंथ के साथ खड़े दिखाई देंगे। वे आज के कैपिटलिस्ट नहीं है, वे सारे सोशलिस्ट हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ एक सोशलिस्ट स्टेट में उनके इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट होते हैं। एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में
जहां गतिमान अवस्था होती है, जहां पब्लिक चूज करती है, वहां सरकार उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने लेफ्ट से यह पार्टनरशिप की है। जी मैं पुनः चलता हूं विभूति नारायण जी के पास। शंकर शरण जी ने पुतिन की एक स्पीच को उद्धृत किया था, जिसमें पुतिन कहते हैं कि साहब कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब सोवियत यूनियन में इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जहां पर वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे, न केवल इकोनॉमी को बल्कि समाज के हर एस्पेक्ट को। और अब जो वेस्ट में हो रहा है वो किस्म के नाम पर, वो उसी की पुनरावृत्ति है और उसके जो परिणाम होंगे वो उसी प्रकार के एक गंभीर परिणाम और दुखद परिणाम होंगे। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए मैं तो इस पर चकित हूँ कि शंकर शरण जी इस नतीजे पे कैसे पहुंचे। ये तो एक तरह से ये अभी जैसे बहुत अच्छा मिश्रा जी ने कहा कि कुछ कंस्ट्रेंड है और कुछ अनकंस्ट्रेंड है, कुछ नियंत्रित है जो यथा स्थिति के समर्थक है और कुछ यथा स्थिति को बदलना चाहते हैं। तो जब भी यथा स्थिति को बदलने वाले लोग आते हैं, शायद आप सहमत नहीं है तो जब आपका वक्त आएगा तो आप मुझे फिर से एजुकेट कर दीजिएगा। जब बदलने का समय आता है तो जो प्रभु वर्ग है समाज का वो हमेशा छटपटाता है। मैंने कहा आपसे, देखिए ये तो अभी नया शब्द है, शब्द कोशों में अभी ढल रहा है और शब्द तो समय के साथ अपना अर्थ बदलते हैं। माफ कीजिए, तो ये तो शब्द अभी अपना अर्थ पूरी तरह से पकड़ेगा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं किसे और पीछे ले जाइए। आप मार्क्सवाद बार बार कह रहे हैं, मार्क्सवाद तो कार्ल मार्क्स के बाद आया ना, चारवाक थे तब तो किसी ने मार्क्सवाद का नहीं सुना था। मैंने आपसे एक प्रश्न जो पूछा है उस पर रहें कृपया विभूति जी। नहीं वो प्रश्न तो अनर्थक निरर्थक प्रश्न है, जो वो कह रहे हैं उसी को जरा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। देखिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि टॉलस्टॉय पर रोक लगा दी, टॉलस्टॉय पर रोक लगा दी। आप देखिए उत्तर दे दीजिए विभूति जी। हाँ मैं उसी जा रहा हूँ, लेकिन देखिए कैसे उसके स्पेसिफिक पॉइंट को मैंने आपसे निवेदन किया, कृपया उस पर रहें। मैं उसी पर आ रहा हूँ। अगर हेडमास्टर वाला एटीट्यूड रहेगा तो शायद फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत होगी। देखिए मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये कहा गया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि टॉलस्टॉय पर भी कम्युनिस्टों ने रोक लगा दी थी सत्ता में आए। वो शायद भूल गए कि लेनिन मैक्सिम गोर्की और चेखव से ज्यादा टॉलस्टॉय को पढ़ते थे। खैर वो तो चलिए एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन सोवियत रूस ने एक बहुत खूबसूरत समाज बनाया, बनाने की कोशिश की, उसमें वो सारी मान्यताएं टूटी जो स्थापित थी। जो बात वो आज पुतिन के भाषण से निकाल के कह रहे हैं वो सही बात है। आप विवाह का एक खास तरह का बंधन था जो धर्मों ने निर्धारित किया था, जैसे ही आपने उस बंधन को तोड़ा और स्त्री पुरुष को बराबरी का अधिकार देने की कोशिश की, वो छटपटा गए। आज भी जब ये कहा जा रहा है ना कि औरतों और मर्दों के कपड़े क्यों अलग हो, लड़के लड़कियां अलग क्यों पहने, इसमें कोई शक नहीं कि अपने अतिरिक्त उत्साह में सोवियत रूस के कम्युनिस्टों ने भी और चीन ने भी, जो दो बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं, वो बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी ज्यादतियां की। जो प्रोलेटेरियट डिक्टेटरशिप थी वो कैसे पार्टी की डिक्टेटरशिप हुई और कैसे फिर इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप बन गई, ये सब हमने देखा, उसका नतीजा उन्होंने भुगता। लेकिन उन्होंने पहली बार एक बहुत खूबसूरत समाज बनाने की कोशिश की थी, जिसमें जो बच्चों के लिए जिस तरह सोवियत रूस जिस तरह का वातावरण पैदा करता था वो पूंजीवादी समाज सोच नहीं सकता था। ये तो सोवियत या औरतों के लिए जिस तरह की सुविधाएं और जिस तरह का समय और जिस तरह की संभावनाएं आई, वो तो आखिर ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? वेलफेयर स्टेट तो ये जो पूंजीवादी समाज था जो उपनिवेशवाद पर निर्भर करता था, शोषण पर जिसकी नींव थी, शोषण जिसकी नींव थी, वो वेलफेयर स्टेट तो उसने सोवियत रूस से ही सीखा। और आज वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है। थोड़ा सा मैं ये कह दूं ना कि ये बताया जा रहा है कि सारे उत्पादन के साधन एक साथ कर दो और फिर हम बैठ के, यानी कोई एक इंडिविजुअल है जो बैठ के करेगा, ये मुझे लगता है थोड़ा ज्यादती हो रही है और एक गलत समझ विकसित हो रही है। बहरहाल ये देखिए एक ये डायनेमिक्स है। ये आरती जी ने बहुत अच्छा कहा कि अभी तो चीजें बन रही, अभी तो शब्द के अर्थ बन रहे हैं, लेकिन इस शब्द का जो स्थापित अर्थ है और जो होगा वो यही है कि अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी तरह की ज्यादती है, किसी भी तरह का शोषण है, किसी भी तरह का की गुलामी है, चाहे वो जेंडर की हो, चाहे एज की हो, चाहे सेक्स की हो, चाहे पूंजी की हो, उसका प्रतिरोध होगा। और अब कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, जो लोग प्रतिरोध कर रहे हैं वही लेफ्ट है, वही वोकल, उन्हीं को आप कहेंगे, उन्हीं को कहेंगे कि वोक से संबंधित है। तो हम
कई बार सरलीकृत होता है, सरलीकरण हम करते हैं। और मुझे लगा कि अभी वो दुर्भाग्य से ये भी हुआ है कि आपने तीन ऐसे लोगों को मेरे साथ इकट्ठा किया है और एक तरह से वो गैर बराबरी वाला मुकाबला हो गया। वो तीनों से पहले से ही अपना दिमाग बना के बैठे हैं कि जो कुछ खूबसूरत है दुनिया में, जो कुछ वाम से जुड़ा है, कुछ जो कुछ व्यक्तिगत आजादी से जुड़ा है, वो सब बुरा है और हमें जो स्थापित मान्यता है उन्हीं के हिसाब चलना चाहिए, समाज में उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद ये सही नजरिया नहीं है। जी शंकर शरण जी। जी कितने मिनट भाई? वही 7-8 मिनट। ओके, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि मैं विभूति जी की बात सुनकर के अपनी जितनी बातें मैंने कल्पना की थी उस पर मुझे पुनर्विचार का समय मिला। वो जितनी बातें कह रहे हैं सब तथ्यहीन है और ये सौभाग्य की बात है कि आज सब कुछ रिकॉर्डेड है। जो वो बोल रहे हैं वो रिकॉर्डेड है, वो फिर से सुना जा सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डेड है, वो फिर से सुना जा सकता है और चेक किया जा सकता है। उन्होंने टॉल्स्टॉय के बारे में कहा, तो लेनिन टॉल्स्टॉय को पढ़ते थे, गोरकी का नाम लिया। उनको ये नोट करना चाहिए कि गोरकी बोल्शेविक पार्टी के सबसे बड़े फाइनेंसर थे, लेनिन को खड़ा करने में, लेनिन की पार्टी को खड़ा करने में सबसे अधिक निजी धन जिन लोगों ने दिया था वो गोरकी थे। और जैसे ही लेनिन ने सत्ता पर कब्जा किया विद इन 6 मंथ्स उन्होंने गोरकी के अखबार को बंद किया, ताला लगाया। ठीक है, इसलिए वो किसी तथ्य को खंडित करने की कोशिश ना करें, सब कुछ रिकॉर्डेड है। दोस्तोवस्की पूरी तरह प्रतिबंधित थे, लाइब्रेरी से हटा दिया गया था। वो जो स्त्री पुरुष वाली समानता और शोषण की उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, वो स्त्री पुरुष स्त्रियों के शोषण को बोल्शेविकों ने नहीं खत्म किया था, उन्होंने स्त्रियों का और बच्चों का सामूहिकीकरण किया था, जैसे मुर्गियों का और खेतों का किया था कि जिस तरह से खेत सबकी संपत्ति होंगे स्त्रियां और बच्चे भी सबकी संपत्ति होंगे, ये कम्युनिज्म बोल्शेविकों ने लागू किया था। और जब वो पुतिन की बात सुनकर के हंसने की कोशिश करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि पुतिन उसी सोवियत व्यवस्था में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, वहीं उसी व्यवस्था में बहुत बड़े पद पर पहुंचा, KGB का वो बड़ा अधिकारी था। और फिर बाद में वह जब वो सोवियत व्यवस्था खत्म की और उसको रूसियों ने खत्म किया, वो उसका राष्ट्रपति बनाओ और फिर वो शासन चला रहा है। तो जो भुक्तभोगी लोग हैं, जो उसी समाज के लोग हैं, उनकी बातों पर हंसने की कोशिश करना, ये विभूति जी को जरा सोचना चाहिए। और एक और बात मैं कह देता हूँ, उनकी जितनी बातें हैं उनमें एक भी तथ्य का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। उन्होंने गोल मटोल सैद्धांतिक जिसको कहते हैं फतवे दे दिए, शोषण विहीन समाज और बड़ा बढ़िया समाज बनाया। वो शायद उन्होंने सोल्जर नितिन को नहीं पढ़ा है, उसकी एक भी किताब नहीं पढ़ी है। सोल्जर नितिन की जो गुलागार की पेलागो है वो 20वीं शताब्दी में नॉन फिक्शन की सबसे बड़ी किताब मानी गई। मैंने उसका एक एक शब्द पढ़ा है, 7 वॉल्यूम। उसको एक भी वॉल्यूम 50 पेज पढ़ करके भी कोई सेहरे बिना नहीं रह सकता कि किस तरह का समाज सोवियत रूसी कम्युनिस्टों ने बनाया था। और यहाँ पर मुझे निर्मल वर्मा जी की याद आती है, मैं उन्हीं के शहर में बैठा हुआ हूँ और उन्होंने एक बड़ी रोचक अनुभव अपना बताया था। वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे अपनी युवावस्था में। उन्होंने एक बड़ा अनोखा अनुभव दिया जो विभूति जी की बात से मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा कि जो कम्युनिस्ट प्रचारक और एक्टिविस्ट जिन्होंने मार्क्स लेनिन को नहीं पढ़ा वह सबसे बड़े अलंबरदार बनते थे कम्युनिस्ट पार्टी के। और जिन लोगों ने भी मार्क्स लेनिन एंगल्स को पढ़ा और विवेक से उस पर विचार किया और घटनाओं से उसका मूल्यांकन किया और तुलना की, उनमें से अधिकांश लोग कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के अलग हो गए। और ये निर्मल जी का ही उदाहरण नहीं है, ये अमेरिका का उदाहरण है, ये पूर्वी यूरोप का उदाहरण है, ये सभी पूरी दुनिया का उदाहरण है। विभूति जी के बाद से मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मार्क्स लेनिन को नहीं पढ़ा है, उन्होंने सोवियत इतिहास नहीं पढ़ा है, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का जो पूरा प्रयोग हुआ रूस में और चाइना में उससे वो पूरी तरह मुझे नावाकिफ लगते हैं। वो इसीलिए फतवे दे रहे हैं और इसीलिए झल्ला रहे हैं कि लोग वामपंथियों के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं। मुझे तो उल्टा लग रहा है कि उन्होंने एक राय बना रखी है और जिसको 26 करोड़ रूसी और 100 करोड़ चीनी उनके दशकों के अनुभव को वो झुठला करके यहाँ भारत में बैठे बैठे वो उसके बारे में कल्पनाएं कर रहे हैं और उसको मीठा बढ़िया समाज बता रहे हैं। यह बिल्कुल ही
गैर जिम्मेदार प्रवृत्ति है जो दुर्भाग्य से भारत के वामपंथियों में है। अब बच गए ये वोक, तो मैं तो यह समझता हूँ, इसमें मुझे सिर्फ दो बातें और जोड़ने की इच्छा थी कि जो अमेरिका यूरोप का हो रहा है, मैं रिकमेंड करूंगा 1975-76 में सोल्जेनिसिन ने वार्निंग टू द वेस्ट करके वो संकलन भी छपा है उनके भाषणों का, 4 या 5 भाषण दिए थे उन्होंने और उसमें एक बीबीसी पर लंबा इंटरव्यू भी था, उसमें वो वेस्ट को चेतावनी दे रहे हैं और मैं किसी को भी चुनौती देता हूँ कि वो उसको पढ़े, वो बुक फॉर्म में उपलब्ध है वार्निंग टू द वेस्ट। उसमें सोल्जेनिसिन यही कह रहे हैं कि तुम लोग किस दुनिया में रह रहे हो, अगर तुम अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपने समाज के बारे में सचेत नहीं होगे तो ये फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चलना चाहिए, इसको कोई भी बरबर आकर के खत्म कर दे सकता है। और आज मुझे वही लग रहा है, और मैं भारत की शिक्षा को देखते हुए और अमेरिका में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर शुरू हुआ, लगभग उसी समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और अमेरिकी यूनिवर्सिटी में वामपंथ जमने लगा जिस समय यहाँ JNU बना था, और ये लगभग 50 साल पहले की बात है। जो बुजुर्ग लोग हैं, विभूति जी भी शायद जानते होंगे, संजय जी को भी याद होगा कि 1967-68 में वो विद्यार्थी विद्रोह हुआ था यूरोप में, और वो यही था, कोई कारण नहीं था उस समय विद्रोह का, वो एक तरह का विध्वंसकारी विचार था, वामपंथी ही उसमें भावनाएं थी, लेकिन कोई कारण नहीं था। और ये कितनी नकलची बात है भारत में और दुनिया में, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिस नस्लवाद के खिलाफ आज इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, क्या उनको मालूम है 1968 में जिसमें ये वियतनाम चल रहा था, उस समय रंग भेद की क्या स्थिति थी, कई गुना बुरी स्थिति थी, किसी वामपंथी की उस पर नजर क्यों नहीं गई अमेरिका में, वो क्यों वियतनाम कर रहे थे, इसलिए वो उसी तरह मतिहीन थे जैसे आज के वो मतिहीन है, उनको सिर्फ लड़ने का एक, अपनी क्रांतिकारिता दिखाने का एक बहाना जैसा चाहिए, खून एक संतोष होता है, किक मिलती है, वही किक थी, नहीं तो नस्ल, मुझे आप चेक कर सकते हैं उस समय अमेरिका में काले लोगों को पूरे देश में स्वेच्छा से घूमने फिरने की आजादी नहीं थी, उनके लिए बसों में अलग से सीट रहती थी कि वहीं वो बैठ सकते हैं, बाकी गोरों की सीट पर नहीं बैठ सकते हैं। उस समय वामपंथियों का यह नस्लवाद विरोधी आंदोलन कहाँ चला गया था, वो झूठ मूठ का आंदोलन ढूंढ रहे थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे, परिवार के खिलाफ लड़ रहे थे, हिप्पी बन रहे थे, वो नशे ले रहे थे और सिर्फ गालियां दे रहे थे, वही चीज आज भी के आज के भी इस वोकिज्म में भी है, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो गलती हुई है वह यही कि वियतनाम में कम्युनिज्म को देखकर, चाइना में कम्युनिज्म को देखकर, माओ के कल्चरल रिवोल्यूशन को देखकर जो वामपंथ का नशा था यूरोप और अमेरिका में वो उतर गया, कम्युनिस्ट पार्टियां कमजोर हो गई, दूसरी वामपंथी फ्रेजियोलॉजी भी कमजोर हो गई, लेकिन वो जो मनोवृत्ति है ना लड़ने की, दूसरों को नीचा दिखाने की, वो मनोवृत्ति एक बड़ी अजीब सी चीज है। और सोल्जेनिसिन ने इस पर लिखा है कि लोग पुरानी पुरानी जो मनुष्य की बीमारियां हैं, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, इसको नया नाम दे देते हैं और कहते हैं ये वर्ग संघर्ष है, वो कहते हैं कुछ नहीं है ये, आप किसी के मन में छिपे हुए लोभ को, ईर्ष्या को, द्वेष को एक थ्योराइजेशन कर देते हैं और वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगता है। और ये मार्क्सवाद के साथ, लेनिनवाद के साथ सबसे ज्यादा है कि एक एक सेट टर्मिनोलॉजी आपने याद कर ली, कुछ फिक्स कंक्लूजन सोच लिए, कुछ पक्के दुश्मनों को निशाना बना लिया और दिन रात आप वही चीजें दोहराते रहते हैं। और ये भारत में भी मार्क्सवादियों जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने इसको नोट किया था कि उनकी टर्मिनोलॉजी बड़ी लिमिटेड होती है, वो गाली गलौज की भाषा में विश्वास रखते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने में विश्वास रखते हैं, तथ्य जुटाने में, उस पर विवेकशील विचार करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती है और शायद योग्यता भी नहीं होती है, और वो उसकी परवाह भी नहीं करते। ये आप रूसी मार्क्सिस्टों में देख सकते हैं, चाइनीज मार्क्सिस्टों में देख सकते हैं, भारतीय मार्क्सिस्टों में देख सकते हैं, पुराने हमारी लाइब्रेरीज में, सौभाग्य से हमारे देश में लोकतंत्र है, लाइब्रेरीज में जाकर के आप देख सकते हैं कि पीपुल्स डेमोक्रेसी और न्यू एज और कम्युनिस्ट पत्रिकाओं में क्या छपता था, आज उसको पढ़ करके कोई भी चकित रह जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी वही चल रहा है और ये वोकिज्म वही है। मैं सिर्फ एक बात कह करके अपनी बात फिलहाल खत्म करना चाहता हूँ कि वेस्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये जो मनोवृत्तियां हैं वामपंथी, इसको इससे निपटना और इससे इस तरह की चीजें, इससे इसके प्रति सावधान रहना, ये एक सतत प्रक्रिया है। हर एक पीढ़ी को, हर एक बच्चे को नए सिरे से कौखों को सिखाना पड़ता है
उसी तरह हरेक पीढ़ी को घातक विचारों से, विनाशकारी प्रवृत्तियों से बचाने की चिंता नेताओं को या समाज को होनी चाहिए। यह वेस्ट से यह भूल हुई और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को हरा दिया, उन्होंने कम्युनिज्म को हरा दिया, लेकिन उस मानसिकता को नहीं हरा सके। विभूति जी ठीक कह रहे हैं कि उस वो मनोवृत्ति, वो लड़ने का मादा, वो झगड़ा करने का मादा वो बना हुआ है, लेकिन वो विवेकहीन है। जिस तरह से बोल्शेविक विवेकहीन थे, जिस तरह से माओ के चेले विवेकहीन थे, जिस तरह से यहाँ चारु मजुमदार या डांगे के चेले विवेकहीन थे, वही विवेकहीनता आज भी है। और उसमें मुख्य बात वही है, हमेशा समाज को तोड़ करके देखना, वर्ग संघर्ष वाली बात, मतलब कभी भी समाज एक नहीं हो सकता, हमेशा किसी को शोषक किसी को शोषित बताना, अर्थव्यवस्था को सबसे ऊंचा समझना, जैसे कि आर्थिक कारणों के अलावा दुनिया में कोई कारण नहीं हो सकते, सांस्कृतिक चीज नहीं हो सकती, धर्म कुछ नहीं हो सकता, धर्म तो पागलपन है या मूर्ख है या फीम है। तो इस तरह की जो सेट कुछ बातें हैं, और अमेरिका दुश्मन है, जैसे भारत में ये हिंदू दुश्मन है या आरएसएस दुश्मन है या भाजपा दुश्मन है या जब भी हो, इंदिरा गांधी है तो इंदिरा गांधी दुश्मन है। मुझे अच्छी तरह याद है सीपीएम और सीपीआई के बीच में कम से कम 10-12 बरस तक सिर्फ यही बहस होती रही कि इंदिरा गांधी का क्लास कैरेक्टर क्या है। सीपीआई वाले कहते थे कि वो नेशनल कैपिटलिस्ट है, सीपीएम वाले कहते थे नहीं वो कंपराडोर कैपिटलिस्ट है। और इस पर पीपल्स डेमोक्रेसी और न्यू एज में सैकड़ों पन्ने काले किए गए। वो सब कितनी मूर्खतापूर्ण बातें थी, उसको आप तभी समझ सकते हैं जबकि उसकी तुलना ये वोकिज्म से करें और इस तरह की लफाजियों से करें। तो मैं यही समझता हूँ कि ये अमेरिका और यूरोप से ये गलती हुई कि उन्होंने कम्युनिज्म को हरा दिया, लेकिन कम्युनिस्ट विचारों को और उससे जो निम्न उसने जिन निम्न प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की कोशिश की, उसको अपने विश्वविद्यालयों में वामपंथी शिक्षकों के द्वारा जो चल रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया। और ये दो पीढ़ी और ये 30-40 सालों में उसने पूरी सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज को प्रोपेगेंडा में बदल के रख दिया, जो भारत में भी है। और इसी कारण से हम सच को सच नहीं कह सकते, तथ्य को तथ्य नहीं कह सकते, आंकड़े नहीं दे सकते, और आपको जैसा ऐसा करने की कोशिश करेंगे आपको तुरंत गालियां मिलेंगी। यही वोकिज्म, जिसको आपने संजय जी ने ठीक कहा, ये नव वामपंथ का एक वर्तमान रूप है और ये जितना नुकसान कर सकता है वह करेगा और फिर वो नया रूप लेगा। उसमें मैं विभूति जी से सहमत हूँ कि जब तक ये मानव समाज है उसमें दोनों तीनों तरह की प्रवृत्तियां हमेशा रहेंगी, लेकिन जो विवेकशील लोग हैं उनको सावधान रहना चाहिए और इससे लड़ने की कोशिश करनी चाहिए और शिक्षा को, संस्कृति को, धर्म को हमेशा अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली का बंधुआ या उससे बांध के नहीं देखना चाहिए। और इस रूप में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वामपंथी मनोवृत्ति भारत में ही नहीं, यूरोप अमेरिका में भी मेन स्ट्रीम डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको कहते हैं वो उसमें घर कर गई है। और इसीलिए इससे लड़ना, इसके बारे में लोगों को सचेत करना बहुत कठिन हो गया है। और ये इंडिविजुअल प्रयास जैसे संजय जी कर रहे हैं, हम इसी पर निर्भर हैं और इससे अधिक हमें फिलहाल तो कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। जी संजय जी। जी आरती जी। काफी कुछ बोला गया और मैं एक नया डायमेंशन इसमें ऐड करूंगी कि जहां मैं छोड़ी थी इस सारे आर्गुमेंट को कि आखिर इन शब्दों की डेफिनेशंस क्या रिलेवेंट है आज की दुनिया में, वहीं से मैं इसको जोड़ूंगी कि पिछले 30 साल में जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है जहाँ पे ये वोकिज्म पनपा, देखिए ये पनपा कहाँ है, वोकिज्म ये फैशनेबल बना कहाँ और ये जा कहाँ रहा है। ये वोकिज्म आपको चाइना में तो नहीं दिखेगा, आपको रशिया में तो नहीं दिखेगा, आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं दिखेगा, जहाँ पे बहुत गरीबी है वहां पे नहीं दिखेगा। ये वोकिज्म आपको एडवांस्ड डेमोक्रेसीज में मिलेगा, ये आपको एडवांस्ड इकोनॉमीज में मिलेगा। और वोकिज्म आखिर है क्या, इसका जन्म होता कहाँ से है? मेरी समझ से एज अ स्टूडेंट कहिए कि मेरी समझ से इसका जन्म जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म से शुरू होता है। और पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या, पहले तो मैं वोकिज्म पे बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं समझाना चाहूंगी आपके दर्शकों के लिए कि वोकिज्म है क्या। एसेंशली ये एक
प्रोडक्ट है क्रिटिकल रेस थ्योरी का। और क्रिटिकल रेस थ्योरी क्या है? वो अमेरिका की एक थ्योरी जो है कि अमेरिकन लॉ जो बना है वो वैल्यू न्यूट्रल लॉ है, और उसने उस वैल्यू न्यूट्रल लॉ ने अमेरिका में जो सोशल इनजस्टिसेस है ब्लैक माइनॉरिटीज के खिलाफ, वो वैल्यू न्यूट्रल लॉज ने बढ़ाई है या कह सकते हैं कि जिंदा रखी है। तो इसलिए अमेरिकन लॉज ही गलत है क्योंकि उनमें वैल्यू जजमेंट नहीं है, और वैल्यू जजमेंट होने चाहिए उनके हिसाब से, इस क्रिटिकल रेस थ्योरी के हिसाब से। और वैल्यू जजमेंट का मतलब कि ये सब इंसानों को बराबर कैसे देख सकते हैं जबकि जबकि सारे लोग बराबर नहीं हैं, ब्लैक्स और वाइट्स बराबर नहीं हैं, क्योंकि ब्लैक्स के साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है और इनइक्वालिटी होती है, तो वो सच्चाई में तो इक्वल है ही नहीं। और इस सब का जन्म होता है पोस्ट मॉडर्निज्म से। और पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या और पोस्ट मॉडर्निज्म का जन्म कब हुआ? पोस्ट मॉडर्निज्म का जन्म होता है वर्ल्ड वॉर टू के बाद, और वेस्ट जो है इन अ वे पूरा डिफीट कर देता है आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, डिफीट कर देता है आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म। और पोस्ट मॉडर्निज्म का जन्म होता है एकेडेमिया में, वेस्ट में, और उसका मतलब ये है कि सच जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सच बहुत मल्टीपल हो सकते हैं, आपका सच अलग है, मेरा सच अलग है, कोई भी चीज़ जो है उसके बहुत सारे पहलू हैं, इसीलिए जेंडर भी एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैटर करता है कि किसका क्या नज़रिया है। और क्रिटिकल रेस थ्योरी भी कहीं ना कहीं इसी का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि ये मानना कि इक्वालिटी है ही नहीं, और इक्वालिटी लॉ में जो इक्वालिटी दी जा रही है वो अननेसेसरी है, इनफैक्ट वो सोशल इनजस्टिस और क्रिएट कर रही है। तो इससे जो ये एक कल्चर बना अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, यही फैलता जा रहा है। और जो कैपिटलिज्म के बेनिफिशरीज़ हैं, जिन्होंने कैपिटलिज्म से अपनी एम्पायर्स खड़ी की, अमेरिकन एम्पायर पूरी कैपिटलिज्म पे खड़ी हुई, पर उनका जो इंटेलेक्चुअल क्लास है और एकेडीमिया जो है वो इस दुविधा में पड़ गया कि जो उनके अंदर जो जो फॉल्ट लाइंस है, और वो जो फॉल्ट लाइंस जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी वो उनके लॉ ने एड्रेस ही नहीं की है। और साथ ही साथ में एक ये भी कह दिया कि जितने भी कल्चर्स हैं, मल्टी कल्चरिज्म का भी पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो इसको जस्टिफाई करता है और कहता है कि सब कल्चर्स, बेशक अलग अलग कल्चर्स हैं और उनके अपने अपने वैल्यूज हैं, और उन सब वैल्यूज का जो है आदर करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स फॉर एग्जांपल, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। किसी कल्चर में अगर किसी का गला काटना एक वैल्यू है तो वैल्यू है। किसी को अडल्ट्री के लिए इफ अ वुमन इज बीइंग स्टोन टू डेथ, वो उनका एक कल्चर है, एक वैल्यू सिस्टम है, वो है। और वेस्ट के अंदर एक मिश्रण बनता है ग्लोबलाइजेशन का, कैपिटलिज्म का, कम्युनिज्म का, लेफ्टिज्म का, और वही मिश्रण जो है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हमें वोकिज्म में दिखता है आज की डेट में। क्योंकि बच्चे जिनको ना हिस्ट्री पता है, ना क्लास स्ट्रगल पता है, ना मार्क्सिज्म पता है, ना कम्युनिज्म पता है, ना कैपिटलिज्म पता है, ना ही लिबर्टेरियनिज्म पता है, उनको ये पता है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है और दूसरे की आइडेंटिटी क्या है। सारा फोकस जो है सोशल साइंसेस पे आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोस्ट मॉडर्निज्म जो है कि यूनिवर्सल सच तो है ही नहीं। रेप भी है और रेप नहीं भी है, ये भी एक इन अ वे एक थ्योरी का एक हिस्सा है कि रेप जो है एक वायलेंस भी है और नहीं भी है, क्योंकि सच
तो मल्टीपल सच है, सच को एक ही नजरिए से नहीं देख सकते। आपका नजरिया कुछ है, मेरा कुछ नजरिया है, मुझे रेप दिख रहा है, किसी और को कुछ और दिख रहा है, तो यूनिवर्सल कोई चीज नहीं है। इसलिए जो वेस्टर्न लॉ है, जहां पे इक्वालिटी की बात हो रही है, इगैलिटेरियनिज्म की बात हो रही है, सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट की बात हो रही है, जहां पे एक आइडियल वर्ल्ड की बात हो रही है, वो सब पे एक बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क खड़े किए जा रहे हैं। और इसलिए जो उनके फाउंडिंग फादर्स थे अमेरिका के, उनके बुत आजकल गिराए जा रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर की जो वायलेंस है वो जस्टिफाई होती है, लेकिन जनवरी 4 पे जो कैपिटल हिल पे वायलेंस हुई वो जस्टिफाई नहीं होती। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक कंफ्यूज्ड वर्ल्ड की जो हमारे सामने उभर के आया है, ये मिश्रण है जो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर ने ग्लोबलाइजेशन एक तरफ उन्होंने प्रमोट किया, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी प्रमोट किया कि सऊदी अरेबिया का जो कल्चर है, जो उनका वहाबिज्म है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, उन सबको भी साथ साथ में जस्टिफाई किया। चाइना जो एक अथॉरिटेरियन टोटेलिटेरियन स्टेट थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो टोटेलिटेरियन थी, उनको भी जस्टिफाई किया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड हुआ, चाइना फैक्ट्री बन गई दुनिया की, अमेरिका का नाम ही पड़ गया मेड इन चाइना। तो एक तरफ से जो आपने ग्लोबलाइजेशन को भी जस्टिफाई प्रमोट किया क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपने कम्युनिज्म को भी जस्टिफाई किया क्योंकि आपको ट्रेड चाहिए चाइना के साथ, आपको सऊदी अरेबिया और अरब वर्ल्ड का गल्फ कंट्रीज का ऑयल चाहिए, आपने उनकी जो ब्रुटैलिटीज है, वायलेंस है, उसको भी जस्टिफाई किया। और इसका ढांचा, इंटेलेक्चुअल ढांचा जो है, इंटेलेक्चुअल जो झोला पहनाया आपने, वो पोस्ट मॉडर्निज्म का झोला पहनाया कि ये भी सच है, वो भी सच है, सारे सच है, वायलेंस भी ठीक है, नॉन वायलेंस भी ठीक है, सब कुछ ही ठीक है। तो आपने जो पूरा जो वैल्यू सिस्टम, जिस वैल्यू सिस्टम पे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज बनी थी, आप कह सकते हैं जूडियो क्रिश्चियन वैल्यू सिस्टम पे डेमोक्रेसी बनी थी या उनके लॉज बने थे, आपने उनको भी सही बोला और उनको भी गलत बोला, और वही उसी की वजह से इतना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि आज आपको, आपने मल्टीकल्चरलिज्म को भी प्रमोट किया, आपने इमिग्रेशन भी अलाउ की, आपने हिजाब भी प्रमोट किया, आपने बुर्का भी प्रमोट किया, और साथ में ये भी कहा कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च है। तो आपने इतने कॉन्ट्रडिक्शंस इतने खड़ा कर दिए डेमोक्रेसी के अंदर, आपका डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, एक कल्चर जो है रिग्रेसिव है, एक कल्चर जो है उनका वैल्यू सिस्टम वायलेंट है, दूसरा कल्चर जो है उनका वैल्यू सिस्टम नॉन वायलेंस है। आप इन सब चीजों को जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के अंदर अलाउड है, परमिटेड है। और फिर फाइनली ये होता है कि जब आपको लगता है कि इससे डेमोक्रेसी में नए सवाल खड़े हो गए और डेमोक्रेसी में नई चैलेंजेस खड़ा हो गई, आपका डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, आपके कल्चर जो मल्टीकल्चरलिज्म को आपने जस्टिफाई किया, अब आपके वही बच्चे जिनको आपने ये सारा मल्टीकल्चरलिज्म सिखाया, पोस्ट मॉडर्निज्म सिखाया, वही अब आपसे सवाल करते हैं कि हाँ क्यों नहीं, आइसिस भी ठीक है और अलकायदा भी ठीक है और बुर्का भी ठीक है और हिजबुल मुजाहिदीन भी ठीक है और ब्लैक लाइव्स मैटर की जो वायलेंस है वो भी ठीक है। तो जो जेन्युइन इश्यूज थे डिस्क्रिमिनेशन के, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, वो भी इस सारे कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं डिरेल हो गए। तो इसलिए मैं नहीं मानती हूं कि ये सिर्फ वोकिज्म जो है सिर्फ लेफ्टिज्म का दूसरा रूप है। मैं समझती हूं कि वोकिज्म जो है, जो ग्रीड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की रही पिछले 30-35 साल में, जिसको न्यू कैपिटलिज्म बोलते हैं, न्यू या क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं, या इन अ वे अमेरिकन सुप्रीमेसी जो अपने वर्ल्ड ऑर्डर को बना के रखना चाहती थी, ये उसका भी एक प्रोडक्ट है
कि जिसने इन सब चीजों का मिश्रण किया, लेफ्टिज्म को भी अडॉप्ट कर लिया कैपिटलिज्म ने, और कैपिटलिज्म ने अपने आप को कम्युनिज्म में भी डाल दिया, इन्फिल्ट्रेट कर दिया। चाइनीज कैपिटलिज्म है आपकी कम्युनिज्म है कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दे सकते। अमेरिका आप सोशलिज्म है, सोशलिस्ट कंट्री है कि कैपिटलिस्ट कंट्री है, इसका भी कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। फंडामेंटली आपने अपने जो इंस्टीट्यूशंस थे और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, कैन यू कंक्लूड आरती जी, उनको इतना कंफ्यूज कर दिया कि वोकिज्म जो है, मैं कहूंगी कि अल्टीमेटली अमेरिका के डोर पे, मैं कहूंगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेस्टर्न डोर पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने ये सारे कंफ्यूजन और ये जस्टिफिकेशन जो रिग्रेसिव कल्चर्स की थी उसकी वजह से ये क्रिएट हुआ। धन्यवाद आरती जी। अब हमारा समय लगभग पूर्ण होने वाला है, उससे पहले राजीव जी आप कुछ एक रिबटल का चांस आपको देते। नहीं, मैं टॉर्न हूँ कि मैं रिबटल दूं या मैं आरती जी की बात को थोड़ा सा डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि यह सब कुछ कंफ्यूज्ड है, मुझे लगता है कि यह सब प्लान्ड है। और जैसे कि आप कहती हैं कि यह सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या पोस्ट कोल्ड वॉर की समाप्ति के दौरान शुरू हुआ, जी नहीं, या जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इसकी शुरुआत बिल्कुल रशियन रिवॉल्यूशन के ठीक बाद हो गई। रशियन रिवॉल्यूशन के ठीक बाद जर्मनी में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च बना, जो आज फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जाना जाता है, वह 1924 में बन गया था। यानी उसके पहले लोगों में इस बात की चर्चा हो रही थी वेस्टर्न लेफ्टिस्ट फिलोसोफर्स के बीच में कि यह जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म कोई नई चीज नहीं है। हेगल, अगर आप सारा स्कूल ऑफ थॉट लेके देखें, कहीं ना कहीं मार्क्स और हेगल से जुड़ा हुआ है। लेकिन पॉपुलराइजेशन जो हुई वर्ल्ड वॉर टू के बाद, और स्पेशली जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसकी पॉपुलराइजेशन हुई, उसका बहुत बड़ा रोल है जी। अमेरिका में इसके फैलने का इतिहास तब है कि जब जर्मनी में इन लोगों को भागना पड़ा तो रूजवेल्ट ने इनसे ले जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जगह दी, और वहां से इन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उसमें मार्केज का एक कथन है कि स्टालिन इज अ फूल, ही डज नॉट नो, आई विल शो हिम हाउ टू डू द रिवॉल्यूशन। तो अमेरिकी समाज में यह जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, यह इस प्लानिंग के तहत और इस रियलाइजेशन के तहत हुआ कि रूसी रिवॉल्यूशन फेल हो चुका है और यह ग्लोबल नहीं होने वाला। इसे ग्लोबल करना है तो अमेरिकी समाज पर कब्जा करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी सोसाइटी जो है दैट वाज मोर कैपेबल एंड हैड अ वाइडर ग्लोबल अपील। सो इसलिए अमेरिकी समाज पर इसकी जो पकड़ हुई है या प्लानिंग के तहत हुई है, और इसमें आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो स्कॉलर्स हैं, या फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो एक्टिविस्ट, मैं कहूंगा स्कॉलर्स नहीं कहूंगा मैं, क्यों, जो एक्टिविस्ट हैं उनकी आपस के बीच का कॉरेस्पॉन्डेंस है कि यही तरीका है अमेरिकी समाज पे कब्जा करने का। और इससे मेरा कंक्लूजन यह है कि रूस का पतन एक पॉन सेक्रीफाइस था, रूस का पतन, रूस को सेक्रीफाइस किया गया जिससे कि अमेरिका में वामपंथ के प्रति जो शत्रु बोध है वह समाप्त हो जाए और अमेरिकी समाज पर कब्जा किया जा सके। मैं विभूति जी की बात पर आना चाहूंगा कि उन्हें मैं क्लेरिफिकेशन दे दूं कि कंस्ट्रेंट विजन और अनकंस्ट्रेंट विजन के बीच का अंतर शायद कुछ मिस हो गया। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तन करने का ठेका किसी ने लिया है। परिवर्तन के सबसे बड़े बाधक वे हैं जिनके दिमाग में एक यूटोपिया है, जिन्हें लगता है कि एक आदर्श स्थिति पैदा की जा सकती है। तो जब उन्हें लगता है कि एक आदर्श स्थिति पैदा की जा सकती है, जिनके दिमाग में इस बात का कंस्ट्रेंट नहीं है कि आदर्श स्थिति पैदा नहीं की जा सकती है, जिन्हें लगता है कि एक आदर्श स्थिति बनाई जा सकती है, वे चाहते हैं कि हम उस आदर्श स्थिति पर पहुंच जाएं और उसके आगे सोसाइटी का इवोल्यूशन बंद हो जाए, उसके आगे सोसाइटी इवॉल्व ना करे। जबकि सोसाइटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन सदियों से इवॉल्व करता आ रहा है। यथास्थितिवाद नाम की कोई चीज वामपंथ के अलावा और कहीं नहीं है। वामपंथ सबसे बड़ा यथास्थितिवादी है। अंतर क्या है? वामपंथियों को लगता है कि हमारा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट विजन में हम मानते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है, इट इज कंस्ट्रेंट बाय इट्स ओन एबिलिटीज। वह एक आइडियल स्टेट अचीव नहीं कर सकता, इसलिए कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करते हुए
सोसाइटी इवॉल्व करती रहती है। वामपंथियों को लगता है कि आइडियल स्थिति अचीव की जा सकती है और आइडियल स्थिति कैसे अचीव की जा सकती है और आइडियल स्थिति क्या है, यह एक आदमी के इंटेलेक्ट के लिए पॉसिबल है। और किसके इंटेलेक्ट के लिए पॉसिबल है? मेरे इंटेलेक्ट के लिए पॉसिबल है। इसलिए हर वामपंथी को लगता है कि मैं परफेक्ट हूं, मुझे मालूम है परफेक्शन क्या है और मैं उस परफेक्शन को स्थापित करके एक आइडियल सोसाइटी बनाऊंगा और फिर उस यथास्थितिवाद को बना कर रखूंगा। इसीलिए हर वामपंथी जो होता है, जब उसके हाथ में सत्ता आती है तो वह डिक्टेटर बन जाता है। और यहां पर अनकंस्ट्रेंड विजन जो है वह सबसे बड़ा यथास्थितिवाद का पोषक है। और जो लोगों को ह्यूमन माइंड का कंस्ट्रेंट पता है, जो लोग ह्यूमन माइंड के इस कंस्ट्रेंट को स्वीकार करते हैं कि एक आदमी का माइंड का की एबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए समाज को पूरे समाज के कॉमन कलेक्टिव माइंड के हिसाब से चलना चाहिए। जिधर समाज चलता है, जैसे इवॉल्व करता है, वैसे इवॉल्व करने देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है नहीं, मुझे पता है समाज को कैसा होना चाहिए और हम इसे वैसा बनाएंगे। तो ऐसे ही लोग क्रांतियों की बात करते हैं, ऐसे ही लोग मार्क्सवाद के पीछे जाते हैं, ऐसे ही लोग सांस्कृतिक मार्क्सवाद के पीछे हैं, ऐसे ही लोग वोकिज्म के पीछे हैं। और क्योंकि उनकी एक ही जिद है कि समाज उधर चले जिधर इसे लेकर मैं जाऊं। विभूति जी, 2 minutes to you। विमर्शों में अक्सर हम सरलीकरण के शिकार हो जाते हैं, स्वीपिंग जनरलाइजेशन कहते हैं करते हैं। जैसे वोकिज्म को पहले कहा गया है कंफ्यूजन है, फिर कहा गया कि ये जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तौर पर लाया जा रहा है, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए। तो इस तरह के स्वीपिंग जनरलाइजेशन से अगर हम बचे हैं, जैसे कहा गया कि साहब जब वियतनाम युद्ध का विरोध हो रहा था तो रंगभेद का क्यों नहीं विरोध हुआ। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सुन करके थोड़ा आश्चर्य लग रहा था। देखिए, मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि जब भी, और यहाँ कम्युनिस्टों ने भी गलतियां की है, ये बहुत अच्छा राजीव मिश्रा जी कह रहे थे कि जब आप अथॉरिटेरियन स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं तो वही नतीजा होता है जो सोवियत रूस का हुआ या चीन का आजकल हो रहा है। तो मैं उसके लिए कोई बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इस समाज में जब तक शोषण है, जब तक अत्याचार है, जब तक गैर बराबरी है, जब तक ज्यादतियां हैं, उनके प्रोटेस्ट में कोई ना कोई खड़ा होता है। और वो प्रोटेस्ट आज वोकिज्म के नाम से जाना जा रहा है। जब हमारे चारवाक खड़े हुए थे, बुद्ध आए थे, तब तो कोई वोकिज्म नहीं था, मार्क्सवाद भी नहीं था। जब हम एक फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले स्टेज तक पहुंचे थे तब भी मार्क्सवाद नहीं आया था, वोकिज्म नहीं था। और जब हमने एक समानता पर आधारित समाज बनाने का सपना देखना शुरू किया जो मार्क्सवाद की देन थी, तब भी हम इसी तरह का जो स्थापित मूल्य थे, जो हमारे कन्वेंशनल और स्थापित मूल्य थे, उनके खिलाफ खड़े थे। और उस समय भी यही तर्क दिए जा रहे थे, कह रहे ये तो मतिभ्रष्ट है, ये तो आज जैसे एक तर्क ये भी दिया गया कि साहब ये बहुत सही कहा आरती जी ने कि सच वही नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, सच के कई शेड होते हैं। लेकिन कोई भी सच जो अगर स्टोनिंग को सपोर्ट करे, विमेन की स्टोनिंग को सपोर्ट करे, तो वो सच के खिलाफ जो खड़ा होगा वो वोकिस्ट होगा, वो वोकिज्म का होगा। तो देखिए, ये एक बहुत सारे सरलीकरण हुए हैं और मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि ये तीनों लोग एंटी लेफ्ट थे और इत्तेफाक, मतलब अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो मेरे खिलाफ तीन बॉलर थे और अंपायर भी उन्हीं के साथ थे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई। लेकिन चलिए, इस पर तो बहुत बहसें होंगी और फिर दोबारा इनके सही साबित कर रहे हैं ऐसा लगता है। इसलिए आप मुझसे तो सवाल पूछते थे, बाकी को कहते थे अच्छा आप बोलिए। तो चलिए, ये कोई ज्यादती नहीं है, आप भी दक्षिण पंथ से जुड़ा हुआ, अच्छी बात है। दिया है विभूति जी, और वैसे हमने रूल्स ऑफ रेडिकल्स पढ़ रखे हैं सभी ने, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लेफ्टिस्ट का तरीका क्या है, इसलिए हम इसमें ज्यादा चिंता में नहीं पड़ते। देखिए, आपके सारे आक्षेपों को तो उन्होंने व्हाइट बॉल करके छोड़ दिया, जवाब ही नहीं दिया। आपकी विजय थोड़ी हो गई? नहीं नहीं, किसी की विजय नहीं हुई, लेकिन मैं ये सोचता था कि आप जरा बैलेंस अगर रखते और आप खुद भी इम्पार्शियल रहते, न्यूट्रल रहते, तो बड़ा आनंद आता। ये बहुत अच्छी बात है, जिसे लगातार चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। पर रहे, मैंने आपको केवल इतना कहा कि आप विषय पर रहे, उसके अतिरिक्त मैंने आपको कुछ नहीं टोका। नहीं, लेकिन आपने किसी से प्रश्न नहीं पूछा, किसी को विषय पर रहने के लिए नहीं कहा, आपने मुझसे प्रश्न पूछा और मुझे विषय पर रहने के लिए कहा। तो चलिए, खैर, ये व्यक्तिगत उसका सवाल नहीं है। आरती जी, आप कुछ रिबट करना चाह रही थी? हाँ, मैं, विभूति जी ने शायद ध्यान से नहीं सुना, मैं तो पिछले आधे घंटे से यही कह रही हूँ कि कैपिटलिस्ट की उतनी ही जिम्मेवारी है
और डेमोक्रेसीज की उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी की लेफ्ट की। ये जो इन्होंने कंफ्यूजन पूरी दुनिया में क्रिएट किया, पूरा केओस क्रिएट कर दिया है पूरी दुनिया में, और इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ लेफ्ट नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार ये न्यू कैपिटलिस्ट और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज भी है जिन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म को इतना रैशनलाइज किया और कोई अंतर नहीं देखा कि रिग्रेसिव आइडियोलॉजी क्या है, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी क्या है, प्रोग्रेसिव कल्चर क्या है, रिग्रेसिव कल्चर क्या है। आपके अनुसार तो सब जस्टिफाइड है, ये सच भी ठीक है, वो सच भी ठीक है। अरे कुछ कुछ चीजें जो है इस दुनिया में, कुछ चीजें जो है इस दुनिया में राइट एंड रॉन्ग की कैटेगरीज में क्लियरली है। हमारी जो डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ह्यूमन माइंड के जो कंस्ट्रेंट्स है, उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर जैसे हम इस दुनिया को समझते हैं, उसमें राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशंस बहुत क्लियर है। रेप इज अ रेप, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। वायलेंस इज वायलेंस, वेदर इट्स ब्लैक लाइव्स मैटर वायलेंस और वेदर इट वॉज वायलेंस ऑन कैपिटल हिल ऑन January 4, नाइदर कैन बी जस्टिफाइड। But you're justifying, you've been justifying one kind of violence and not... Anybody associated with wokeism will never justify a rape or any racial discrimination. Who justified? Anybody tell me the name. Who was interested in Black Lives Matter? Can you ever justify a rape? No, this is not fair. Chaliye, ab inka samay ka bhi wo hai. Rape has now several definitions. There is rape, there is mental rape. हाँ बिल्कुल है, ये आपको लेफ्ट ने ही बताया है मैडम आरती जी, ये लेफ्ट ने ही आपको बताया है कि देयर इज अ मेंटल रेप आल्सो। राइट नहीं बताता, राइट तो आपके सामने मनुस्मृति लेके आता है, राइट तो धर्म लेके आता है। आपने पढ़ी है मनुस्मृति? हाँ मैंने पढ़ी है। आप ये मेरे पीछे जो किताबें देख रहे हैं ना उसमें मनुस्मृति है, कहिए तो अभी मैं खोल करके आपका वो करूँ। आपको मैं मनुस्मृति पे बोलूंगा। देखिए सवाल ये है ना, ये लेफ्ट ने ही ये समझ पैदा की है कि सेक्स के तरह तरह के शेड्स होते हैं। ये लेफ्ट ने ही आपको जेंडर इक्वलिटी की बात सोचने के लिए कहा। आपके आपके धर्म तो इसके विरोध में थे, सारे धर्म, सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, इस्लाम भी और क्रिश्चियनिटी भी, सारे धर्म। और हिंदू धर्म का कुछ भी नहीं, सनातन धर्म का साब ही नहीं आता आपको, तभी आप कहते हैं कि धर्म के विरोध में थे और इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की आप सनातन से तुलना कर रहे हैं। वैसे आप विषयांतर, अरे सारे 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 धर्म स्त्री विरोधी थे दीक्षित जी, सारे धर्म स्त्री विरोधी थे। मैं जानता हूँ विभूति जी, आप छोड़िए, सारे इसको। सारे सारे धर्म स्त्री विरोधी है जी, आप हाँ, उस पर कभी अलग से बहस नहीं हो जाता। आपने पढ़ा ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको, आपको मैं आपको आपको क्या बताऊँ। आपने मेरा पर्चे, मेरा पर्चे एक आईपीएस अफसर के तौर पे दिया, वो अपमानजनक था। मैं हिंदी का एक लेखक हूँ, मैं पढ़ता हूँ लिखता हूँ, मैं आईपीएस अफसर नहीं था, था और वो एक जगह मार्च था के नाते बुलाया है। हाँ तो वामपंथी होना कोई गुनाह है? मैं तो इस पे मुझे गर्व है कि वामपंथियों के गुनाह का हिसाब लगाया जाए सर। नहीं नहीं आपके किताब राजीव जी, आपकी किताब लगाएंगे, धर्मों ने कितने लोगों की हत्या की? हाँ मुझे बताइए कि धर्मों ने कितने लोगों की हत्या की? आप बताए धर्मों ने कितने लोगों की हत्या की है? धर्मों ने किसी, आप मुझे बताए कि जो उपनिवेशवादी थे, जो पूंजीवादी, जो शोषणकर्ता थे, जो धर्म थे, उन्होंने कितने लोगों की हत्या की? आपको आप तो आपको कोई जेनोसाइड जस्टिफाई नहीं, ये भी समझ लेफ्ट आपको देता है। लेफ्ट आपको समझ देता है, चले बात करें, लेफ्ट क्या समझ देता है? चलिए उस पर फिर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन नहीं आज ही इसी पर बात करने के लिए हम आए हैं। बात कर ही लीजिए ना, आज ही इसी पर बात करने आए हैं। आप बताइए, लेफ्ट को कटघरे में खड़ा करें और नंगा करें, इसीलिए आए। कितने हत्याएं की हैं आप मुझे सिर्फ ये बताइए? धर्म से ज्यादा नहीं, धर्म ने नहीं, रिलीजन ने की हैं। धर्म ने नहीं, रिलीजन ने की हैं। धर्म ने नहीं, रिलीजन ने की हैं। जी नहीं, और वामपंथ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों एक ही चीज के तीन पहलू हैं। जी नहीं, वो धार्मिक व्यवस्थाएं नहीं थी, वे रिलीजियस व्यवस्थाएं थी। अपने से आधे, अपने आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आप पर आरोप लगाता हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। धर्म नहीं, रिलीजन और धर्म में बेसिक अंतर है। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे की सारी किताबें रद्दी में बेच दो। इसको यही बंद करते हैं। आपके पीछे जो किताबें हैं वे आपके लिए रद्दी,
आप उसे भेज दे खुले में, क्योंकि आपको उसमें से एक शब्द भी समझ में नहीं आया है। स्त्रियां भी थी, दलित थे, शोषित थे। आपको अगर धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता है तो आप निरक्षर और अनपढ़ हैं। आपका 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 धर्म अपनी आधी से ज्यादा आबादी को जानवर समझता है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप फैला करके रोक, आप झूठे हैं और आप अनपढ़ व्यक्ति हैं। आपकी सारी किताबें जानवर लिखा गया है, लदा हुआ गधे के पीठ पर लदी हुई एक लाइब्रेरी है। राजीव जी, उसमें से कुछ भी आपके मस्तिष्क में नहीं पहुंचा है। आप जी नहीं, आप रिलीजन के साथ वामपंथ के जी नहीं, रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और वामपंथ तीनों हिंदू धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, तीनों न्याय के विरुद्ध खड़े हैं और तीनों मानवता के विरुद्ध खड़े हैं। आप बताइए आप किसकी ओर हैं? रिलीजन और धर्म को अगर आप एक साथ रखते हैं आप मूर्ख हैं। चलिए मैं सबको म्यूट करता हूँ और इसी समय सबको धन्यवाद करते हुए यहीं पर इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और बड़ी गर्मा गर्म चर्चा हुई, मुझे लगता है दर्शकों को काफ़ी आनंद आया होगा और इस कारण गर्मा गर्म होने से फिर मैं इस समय प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है कि आज दर्शकों को निराशा अवश्य होगी कि मैं प्रश्न ले पा रहा हूँ, समय हो गया पूरा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी, आप मेरे आमंत्रण पर आए। जनरली लेफ्टिस्ट लेफ्ट वाले यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन आप आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी को धन्यवाद, आरती जी को धन्यवाद, शंकर शरण जी का कनेक्शन कट गया इसलिए वो अंत तक नहीं रह पाए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।